हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आइटम में एक्सेशन कोड और टैक्स कैसे अपडेट करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले गाइस हम अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद स्टॉक आइटम में जाएंगे, स्टॉक आइटम को एंटर करेंगे। गाइस मैंने पहले से आइटम क्रिएट किए हुए हैं, मेरे इससे पहले वीडियो में मैंने आइटम क्रिएट करना बताया था, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। क्या है गाइस, इसमें से कोई भी एक आइटम ले लेंगे आप, जैसे कि मास्टर पैकिंग को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप इसको एंटर करेंगे, आपका आइटम मास्टर डाटा खुल जाएगा। खुलने के बाद आप इसको एंटर करेंगे और आप कहाँ जाएंगे गाइस, GST एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको क्या है आप एप्लीकेबल करेंगे। अगर यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल होगा तो उसको एप्लीकेबल कर देना है। करने के बाद गाइस क्या है, इसको एंटर करना है और यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद आप इसको एंटर करेंगे। मैंने ऑलरेडी गाइस एक्सेशन डाला हुआ है, तो आपको कैसे डालना है, आप ऑल्ट W का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम यानी कि डेट डालेंगे कब से आपको ये एक्सेशन अपडेट करना है। तो मैंने 1-4 की डाली हुई है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं जिस मंथ में आपका आइटम आया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या है, एक्सेशन मांग रहा है, एक्सेशन यहाँ पर डालना है आपको। यहाँ पर नो रहने देना है, यहाँ पर ऑन वैल्यू रहना है, यहाँ पर टैक्सेबल, यहाँ पर नो, यहाँ पर नो, और यहाँ पर गाइस क्या है, सेट अल्टर टैक्स डिटेल्स। यहाँ पर आपको टैक्स डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पर क्या, आप वाई करेंगे यानी कि यस करेंगे और इसको एंटर करेंगे। अब ये आपका आइटम कितने टैक्स पर लग कर आएगा, यानी कि 18% या 12% आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने 18 डाला हुआ है तो 18 पर डाल दिए, आप 12 डाल सकते हैं, 18 डाल, जो भी आपका आएगा उस पर वो टैक्स आप डाल सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, आप एंटर करेंगे, 18 डालकर फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। तो गाइस इसको 3 बार एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसमें गाइस आप कंट्रोल ए करेंगे, इसको भी कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पर गाइस क्या करेंगे, यहाँ पर भी कंट्रोल ए करेंगे। तो गाइस आपका एचएसएन अपडेट हो चुका है इस आइटम में। और मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस, थैंक यू।